أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. शुरू करते अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, जो कायनात का खालिक है, जिसने हम पर ये करम किया कि हम जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हमने जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा से कुछ दर्स लिया. लास्ट एपिसोड में हमने जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की उस स्टोरी को, उस वाकये को, उस हालात जिंदगी को हमने कुरान मजीद की रोशनी में सूरे हुद की आयतों से सहारा लिया था. सूरे हुद चैप्टर नंबर 11 से हमने कुछ आयतों की रोशनी में बात की थी कि अल्लाह ने कैसा वो समा था, कैसा वो हालात कैसे थे कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म खुदा हुआ कि कश्ती को तैयार करे और किस तरह से जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को काफी हद तक उनको नसीहत की, 950 ईयर्स उनको तबलीग की, मगर जब कोई फायदा एज सच यानी अबे एक ऐसा स्टैग्नेंट मोड आ चुका था कि अब इससे ज्यादा कोई ईमान नहीं लाए. यानी ये बात भी कुरान मजीद में अल्लाह ने बता दी कि ए नूह अब तुम अफसोस नहीं करना क्योंकि अब इससे ज्यादा ये लोग कोई ईमान लाने वाले नहीं है. तो खुदा बंदे आलम का हुक्म हुआ, जैसे हमने सूरे हुद की आयत नंबर 38 पे हमने स्टॉप किया था, 38-39 पे स्टॉप किया था, तो आयत नंबर 38 में अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और नू कश्ती बना रहे थे. तो जनाब नू अलैहिस्सलाम को हुक्म खुदा हुआ कि कश्ती बनाए और जनाब नू अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे और जब उस कौम की, उस जमात, उस कौम कुफार में से जब कोई वहां से गुजरता था तो जनाब नू का मजाक उड़ाता था. यहां तक हमने गुफ्तगु की थी. तो हुक्म खुदा था, जनाब नू अलैहिस्सलाम कश्ती की तामीर कर रहे थे. अब ये इतनी बड़ी सी कश्ती जब बना रहे थे, तमाम अंबिया की सिफात है, तमाम औलियाए खुदा की सिफात है, और जनाब नूह अलैहिस्सलाम की भी जब जितना हम स्टडी करते ये पॉइंट हमको मिलता है कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम जब कोई काम करते थे, जब कुछ आगाज करते थे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते थे. कोई भी काम अल्लाह के नाम से करना उसमें बरकत भी होती है, उसमें हमारे लिए शफा भी होती है, उसमें खुदा की रजा भी होती है. और ये कितने सारे जो नापसंदीदा चीजों को, हादसों को टाल देता है. जैसे रिवायात में, जैसे जो मुफस्सिरान कुरान लिखते हैं कि एक शख्स थे, एक आलिम दीन थे जिनसे कोई बड़ा हसद करता था, तो हसद का मारा उसने उस आलिम दीन के चाय में पॉइजन मिला दिया. जब उसने चाय में पॉइजन मिला दिया तो उस आलिम ने जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के उस चाय को कंज्यूम किया तो उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, फील भी नहीं हुआ, एसिडिटी भी नहीं हुई. यानी कमाल है ना, अल्लाह सुबहान व तआला का नाम कितना बड़ा खजाना इसमें आजम हमारे पास मौजूद है, हम उससे कितना फायदा उठाना चाहिए. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर तो मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पूरी रात में तफसीर करें और खत्म ना हो. इब्न अब्बास ने यही कहा ना कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने सूरह अलहम्द की तफसीर पूछी थी मगर सिर्फ बिस्मिल्लाह में या सिर्फ बिस्मिल्लाह के बा में मौला ने पूरी रात गुजार दी. तो ये इल्म है, ये खुदा का इस्म है, ये खुदा का नाम है, और हजरत नूह उलुल अज़्म नबी है. तो जाहिर सी बात, अब जनाब नूह अलैहिस्सलाम कारपेंटर थे और अभी हुक्म खुदा का था कि आपको कश्ती बनानी है, तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह के कश्ती बनाना शुरू किया और यही आपका विरद जबान था, यही आप जिक्र करते जा रहे थे.
और यही जिक्र आपको सुकून देता था, क्योंकि एक तो खुद अपसेट थे कि मैं कश्ती बना रहा हूं, अजाब खुदा आएगा, पूरी दुनिया हलाक हो जाएगी। दूसरा कि खुफार आपका मजाक उड़ा रहे थे, आपके ऊपर रुस्वा कर रहे थे, आप पर हंस रहे थे। तो ऐसे मौके पे जब इंसान अपसेट होता है, परेशान होता है, गमगीन होता है, तो कुरान मजीद कहता है अला बि जिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जिक्र खुदा तुम्हें सुकून देगा। तो जनाब इनू अलैहि सलाम जिक्र खुदा करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए कश्ती बना रहे थे, और दौरान यानी वो जो वक्फा था, वो जो टाइम फेस था जब हजरत इनू अलैहि सलाम कश्ती की तामीर कर रहे थे, तो आप कुछ दुआएं भी मांग रहे थे, यानी अल्लाह सुबहान व तआला की हमदो सना भी कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं, अल्लाह को याद भी कर रहे हैं, तस्बीह भी हो रही है, हमद भी हो रही है और दुआ भी हो रही है। इनकसारी, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को हम्बल कर देना। तो जनाब नूह अलैहि सलाम दुआ मांगते मांगते यहाँ पता चलता है कि जनाब नूह ने ये नहीं कहा कि ठीक है मैं तो बच जाने वाला हूँ और मैं तो मसलन पार हो जाऊंगा, दुश्मन हलाक हो गए, नहीं। यहाँ पर भी जनाब नूह का जो हम्बलनेस है, जो उनका जिसको हम कहते हैं खुशू खुजू है अल्लाह की बारगाह में, जो खौफ है वो जाहिर हो रहा है कि ये दौराने तामीर कश्ती भी आप दुआ मांगते जा रहे थे। और आप कौन सी दुआ मांगते थे? तो मुफस्सिरान ने लिखा कि एक तो कुरान मजीद के अंदर से मौजूद है, मसलन कुरान मजीद के सूरा नंबर 71, सूरे नू द चैप्टर 71 लास्ट आयत, आयत नंबर 28। इस आयत में जनाब नूह अलैहि सलाम एक दुआ करते, जो मुफस्सिरान ने कहा कि ये जनाब नूह ने कश्ती बनाते हुए शायद पढ़ी थी। क्या आयत है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बिक फिरली वले वालिदैया वले मन दखला बैती मोमिनो वलिल मोमिनीन। परवरदिगारा मुझे और मेरे वालिदैन में से जो ईमान के साथ और मेरे घर में दाखिल हो जाए उन सब मोमिनों मोमिनात को तू बख्श दे, मुझे मेरे वालिदैन को और जो ईमान के साथ मोमिन और मोमिनात बैठी मेरे घर में दाखिल हो जाए उन्हें तू बख्श दे। तो सूरे नू की आयत नंबर 28 जो लास्ट आयत है, इसके बारे में भी मिलता है कि ये वो दुआ के जुमले है कि जो जनाबे नू अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाते हुए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की जनाब में मुनाजात की थी। और मौरखीन ने लिखा, यानी मुफस्सिरा ने कुरान से, और फिर जो मौरखीन इस्लाम है, जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं, हिस्टोरियंस ने, देर आर अ फ्यू बुक्स, ओल्ड बुक्स, जिसमें ये दुआ के जुमले भी मिलते कि जब हजरत इनू अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी दुआ पढ़ी थी, जो हमारे उलमा दलील देते हैं वसीलों के लिए, जब नो दबन पीपल से के तवस्सुल ना करे, अहले बैते ताहिरीन का वसीला ना दे, वहां पर ये दुआ पेश की जाती है। जनाब पहले हम दुआ पढ़ते हैं कि अल्लाह कितना खूबसूरत अंदाज है वो तवस्सुल का जनाब नूह नबी का, कि खुदा की दरगाह में कैसे दुआ मांगी जाती है। तो मैं रीड कर रही हूं, एंड मैं रीड इसलिए कर रही हूं बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरा कोई भी लफ्ज इसमें शामिल हो, तो मैं डायरेक्ट बुक से वो जुमले आपके सामने रीड कर रही हूं कि इंशाल्लाह हमें भी तौफीक मिले, हम भी अपनी दुआओं में इस दुआ को शरीक करें या कुनूत में इस तरह से हम दुआ को शामिल करें कि अल्लाह हमारी भी वैसी आफियत और सलामती हो। तो क्या फरमाया जनाब नूह ने? मौरखीन ने लिखा कि जनाब नूह इस तरह दुआ करते थे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खुदावंदा अपनी रहमत से मुझे महफूज रख। देखिए ये बता रहा है ना कि जनाब नूह वॉज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, नबी है, मासूम है, उलुल अज़्म है, मगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं तो बख्शा जाऊंगा, नहीं, इन्हें खौफ है कि कोई तर की औला कोई ऐसी खता ना हो जाए कि मैं भी अजाब में आ जाऊं, अल्लाह के गजब मुझ पर भी हो, तो और मैं अपने आप को रखूं कि हम तो बड़े बड़े गुनाह हो जाते फिर भी कोई एहसास नहीं होता, इस्तग़फार नहीं होता। ये मासूम नबी है, क्या कह रहे? खुदावंदा अपनी रहमत से मुझे महफूज रख, मुझे नजात दे और आफियत बख्श दे। ए अल्लाह
मेरे लिए अपने फजल व करम के दरवाजे खोल दे। कितना ब्यूटीफुल ये जुमला है। हम भी अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमारे लिए भी अपने फजल और करम के दरवाजे खोल दे। और फिर आपने क्या फरमाया, और अपने आखिरी नबी के वसीले से, देखिए वसीला वसीला अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा वसीला खुदा का ले जाए, अपने आखिरी नबी के वसीले से और अपने पहले इमाम के वसीले से कि जिसका बुजुर्ग नाम एलिया है, और दोनों जहानों के सरदार और सैयदा सैयदतुन्निसाइल आलमीन के वसीले से, और वो दोनों शहीदों के वसीले से। दो शहीद, दो शहजादे, दो सिप्टेन सकलेन कौन है, बेशक हमें पता है कि वास्ता किसका दिया जा रहा है। पंजतन मुकम्मल हो रहे, तेरे आखिरी नबी का वास्ता, तुझे तेरे पहले इमाम यानी कि एलिया का वास्ता, और सैयदतुन निसाइल आलमीन का वास्ता, और उन दोनों शहीदों का वास्ता यानी कि इमाम हसनैन अलैहिमुस्सलाम का वास्ता। और फिर क्या फरमाया, उन दोनों शहीदों के वसीले से और उस मासूम बच्चे के वसीले से जिसकी गर्दन तीर से जख्मी की जाएगी, की जाएगी फ्यूचर टेंस, जिसकी गर्दन तीर से जख्मी की जाएगी, और उस पाक बीबी के वसीले से जिसके सर पर कपड़ा नहीं होगा, और तमाम मासूमीन और मजलूमीन और पाक हस्तियों के वसीले से। तो कितना खूबसूरत अंदाज है दुआ का कि अल्लाह मुझे आफियत बख्श दे, मेरे मुझ पर अपनी रहमत और करम के दरवाजे खोल दे, मेरी मुझे महफूज रख, मुझे नजात दे, और पंजतन पाक का वास्ता, और फिर उस मासूम शीरखार का वास्ता जिसकी गर्दन पे तीर लगेगा, उन सरों का वास्ता जो बाजारों में फिराए जाएंगे, उन मजलूम शहीदों का वास्ता जो रहती दुनिया तक मसलन औलादे जनाब सैयदा में से हो, या वो मासूम बच्चे जो राहे कूफा और शाम में शहीद हो गए, या वो मासूम के जिसे शक्का में मादर में शहीद कर दिया गया। तमाम आसमानी किताबों में तमाम अंबिया को अल्लाह ने आखिरी नबी और उनकी औलाद के फजाइल मारिफत और उन पर होने वाले मजालिम का इल्म दिया था, दुआ मांगने का सलीका सिखाया था। हम भी दुआ करते बारे लाहा तुझे उन करबला के शहीदों का वास्ता, तुझे उस बच्चे का वास्ता जो शक्का में मादर में शहीद कर दिया गया, तुझे उस बच्चे का वास्ता जो तीरे खुरमला से करबला की जमीन पर प्यासा शहीद कर दिया गया, तुझे उन मासूमों का वास्ता जो ऊंटों से नाकों से गिर गिर कर शहीद होते रहे, मालिक हमें भी नजात दे, हमारी भी मगफिरत फरमा, जैसे तेरे आखिरी नबी ने फरमाया मेरी अहले बैत सफीना निजात है, जैसे जनाबे नूह की कश्ती में सवार होने वालों को तूने पार कर दिया, निजात दे दी, हम सफीना इश्क मौला हुसैन में सवार है, मालिक हमें भी निजात दे जहन्नम की आग से, अपने गजब से, अपने गुस्से से, हमारे गुनाहों से, शैतान के वसवसे से, हमें भी निजात दे, हमारी भी आफियत फरमा, हम पर भी अपनी करम और रहमत के दरवाजे खुले रखना। बारे इलाहा हमें आखिरी दम तक नबी और आले नबी का दामन थामे रहने की तौफीक इनायत फरमाना। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम।